हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको क्लास सेकंड की बुक रिमझिम के चैप्टर की जो कविताएं हैं वो पढ़ाऊंगी। काले मेघा पानी दे और सावन का गीत, तो पढ़ते हैं फटाफट। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गायें सब मिल चमक छैया, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी, देखो कितनी अच्छी है ना। अब हम इसका आपको कुछ अर्थ बताएंगे। जैसे कि काले मेघा यानी कि जब बादल बारिश वाले आते हैं तो वो काले रंग के होते हैं, इसलिए यहाँ पे काले मेघा बोला गया है। काले मेघा से पानी मांग रहे हैं सभी लोग। क्यों मांग रहे हैं? ये कविता जेठ की गर्मी से परेशान होकर लोग जब बारिश की तरफ आसमान की तरफ देखते हैं, बारिश की इच्छा करते हैं, तब की ये कविता है। उसी टाइम के लिए कवि ने ये कविता लिखी है। तो मेघा का मतलब हो गया बादल, गुड़धानी गुड़ से बनाया गया एक प्रकार का लड्डू, बरसों खूब झमा झमझम, नाचे मोर छमा छमछम। तो जब बहुत तेज बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है, तो मोर छमाछम नाचते हैं खेतों से खलिहानों तक। खेतों से खलिहानों तक मतलब खलिहान मतलब वो जगह जहाँ पे किसान अपनी फसल को काट कर रखते हैं, उस जगह को खलिहान कहते हैं। तो खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, हर जगह पे बारिश हो जानी चाहिए, ये ऐसा लोग बोल रहे हैं। धरती को रंग धानी दे मतलब जब बारिश होती है तो सब जगह हरी हरी घास हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि धरती का रंग धानी जाता है। धानी का मतलब होता है हरा। काले मेघा पानी दे, ठीक है। भर दे सारे ताल तलैया, गायें सब मिल छमक छैया। तो सारे ताल तलैया मतलब छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उन्हें बोलते हैं ताल तलैया। उन सबको भर दो तो हम सब मिलकर चमक छैया गाएंगे। सब बच्चे नाच उसमें तालाब में नहाते हैं ना, इसीलिए। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। जब बारिश होगी, नई फसल होगी, अच्छे अच्छे मतलब किसानों के घर में नई फसल आएगी, तो दाना पानी सबके घर में हो जाएगा। पानी इसीलिए क्योंकि जब बारिश होगी बच्चों तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा धरती में, तो सबके घरों में पानी भी आ जाएगा, कुओं में नया पानी आ जाएगा, तो दाना और पानी दोनों मिलते हैं बारिश की वजह से। पानी दे जिंदगानी दे, पानी की वजह से हमें जिंदगी मिलती है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, तो पानी के बिना ही जीवन असंभव है, तो इसलिए यहाँ पे पानी को जिंदगानी देने के लिए कहा गया है। काले मेघा पानी दे, तो काले मेघा से पानी की मांग की गई है कि पानी दे और जिंदगानी दे। तो बच्चों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब पानी यूज करते हैं हम अपने घरों में, नल से हो चाहे वो कुछ भी है, मोटर चला के, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, पानी का प्रयोग सही तरह से करना चाहिए। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी से हमारी जिंदगी है, पानी के बिना हमारी जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो हम दूसरी कविता पढ़ते हैं, इसका नाम है सावन का गीत। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो देखा बच्चों, कवि क्या कहना चाहता है कि इतना बड़ा झूला डालना इस बार कि जिसमें पूरा संसार समा जाए, ठीक है। ऐसी डाली पे डालना झूला जो आसमान के पार हो, जो आसमान के पार निकलती हो, और उस रस्सी का डालना उस डाली पे जिसका कोई भी हद ना हो, जिसकी कोई भी सीमा ना हो, मतलब उस बहुत बड़ी रस्सी पे डालना। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार चला जाए और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार चला जाए। मतलब पेंग क्या होता है बच्चों, जैसे कि झूला होता है ना, देखिए, तो यहाँ पे जब हम इधर से इधर जाते हैं तो ये क्या होता है, पेंग होता है, इसको एक पेंग बोलते हैं। तो एक में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में अंतरिक्ष के पार। तो देखा बच्चों, कवि की जो कल्पना है वो कितनी दूर तक है, कितनी बड़ी है, कितनी अनोखी है, हमें अभी अनोखी लग रही है। जिसने कभी पहले चांद पे जाने की सोची होगी उसकी भी सोच सबको अनोखी लगी होगी। तो बच्चों, सोच बड़ी रखना, कल्पना अपनी बनाए रखना बहुत अच्छी बात है। आप लोग बच्चे हो, अपनी कल्पना को इतना क्रिएटिव बना दो कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप बच्चे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, अपने आसपास की चीजों को देखिए, ठीक है।
आजकल आप घर में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आसपास की चीजों से कुछ नया सीखें, कुछ नया क्रिएटिव सोच अपनी बनाएं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन, ये कविताएं बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय।